बंगाल में टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी, बोले अत्याचार विश्वासघात का दूसरा नाम टीएमसी सरकार। टीएमसी का मतलब अत्याचार और भ्रष्टाचार। पीएम मोदी बोले बंगाल में पहले कमीशन फिर परमिशन स्कीम को स्कैम में बदलने में माहिर है टीएमसी सरकार। टीएमसी का मतलब तू मैं और करप्शन। थोड़ी देर में बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। औरंगाबाद में 21,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 19 महीने के बाद एक मंच पर दिखेंगे पीएम मोदी और नीतीश कुमार। बिहार में पीएम मोदी के साथ मंच को साझा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। 12 जुलाई 2022 को दिखे थे एक साथ इससे पहले। 7 मार्च को कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। घाटी को दे सकते हैं करोड़ों की सौगात। मनोज सिन्हा ने पीएम के दौरे को लेकर पुष्टि की। अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र त्रिपुरा टीपरा मोथा के बीच समझौता हुआ। अमित शाह बोले हिंसा मुक्त नॉर्थ ईस्ट बनाने में बड़ा कदम। मुद्दों का अध्ययन कर अंजाम तक पहुंचाया। पीएम से मिले शुभेंदु अधिकारी और सुकांता मजुमदार। पीएम ने ट्वीट की मुलाकात की। फोटो सुशासन के एजेंडे पर चर्चा हुई। बेंगलुरु ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की। सीएम सिद्धरमैया ने ब्लास्ट वाली जगह का भी दौरा किया। बेंगलुरु ब्लास्ट की एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जब्त किया धमाके में इस्तेमाल टाइमर। संदिग्ध आरोपी की तस्वीरें सामने आई। बेंगलुरु ब्लास्ट पर गिरिराज सिंह ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। कहा आतंक की नर्सरी बनता जा रहा है कर्नाटक। हाथ पर हाथ रखकर बैठी है सरकार। लखनऊ में सीएम योगी ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का उद्घाटन किया। कहा 2014 से पहले गरीब को राशन मिल पाना मुश्किल था। बिना भेदभाव के अब मिल रहा है लाभ। 5 मार्च को गोवा में नौसेना युद्ध महाविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। सेना को 3 गुना ज्यादा प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा यह महाविद्यालय। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने एक्स पर पोस्ट किया। बीजेपी अध्यक्ष से राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने की अपील की। कहा क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहता। तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। कहा जहां गई उनकी जन विश्वास यात्रा आतंक का बना माहौल। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। पेपर लीक कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 2 मोबाइल फोन 32 वर्क कागजात बरामद हुए। लखनऊ एयरपोर्ट से 98 लाख का सोना बरामद हुआ। कस्टम ने जब्त किया 1 किलो 533 ग्राम सोना। तंबाकू कारोबारी पर आईटी की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। 2.5 करोड़ की डायमंड वॉच बरामद। करीब 7 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। 300 करोड़ की कर चोरी का पता चला। महाराष्ट्र के नासिक में हाईवे पर बनी अवैध मजार ध्वस्त की गई। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने उठाया था मुद्दा। नेशनल हाईवे पर बनी थी अवैध मजार। झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई। 7 से 8 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। विदेशी महिला से गैंगरेप के मामले में बीजेपी ने झारखंड सरकार को घेरा। बोले गिरती कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। साउथ अफ्रीका से पकड़ा गया पीएफआई का मोस्ट वांटेड मोहम्मद गौस नियाजी। एनआईए ने गिरफ्तार किया आरएसएस नेता रुदेश की हत्या का आरोपी था नियाजी। नफे सिंह हत्याकांड में हरियाणा पुलिस को 4 शूटर्स की तलाश है। कपिल सांगवान गैंग के हैं ये सभी शूटर। आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस को जारी किया गया। भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ नया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। दुश्मनों की उड़ाएगा यह होश। भारत की आत्मनिर्भर दिशा में एक अहम उपलब्धि। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य जी के दोस्त की अमेरिका में गोली मारकर हत्या की गई। एक्ट्रेस ने पीएम मोदी से मदद की अपील की। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की समाधि स्थल पहुंचे मिस वर्ल्ड प्रतियोगी। 9 मार्च को मुंबई में होगा ग्रैंड फिनाले। और चले सीधा रुख कर रहे हैं ये देखिए बिहार के औरंगाबाद की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और बड़ी बात यह है कि देखिए प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मंच पर पहुंच गए हैं और अब औरंगाबाद वासियों को संबोधित करेंगे और कई 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास और कई परियोजनाओं का जो उद्घाटन है वो किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ये तस्वीरें आपके सामने नीतीश कुमार से मुलाकात
और नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 2022 के बाद ये पहला मौका है जब एक साथ एक मंच पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर से महागठबंधन का साथ छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए, बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र बी अरलेकर जी तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, 34,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज इस दौरे में देने वाले हैं। और इसमें से औरंगाबाद और बेगूसराय की बात की जाए तो औरंगाबाद को 21,000 करोड़ से ज्यादा और बेगूसराय को 13,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा और जनसभा में बड़ी संख्या में लोग सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को। और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बातचीत करते हुए, और 2022 के बाद जिस तरह से हमने आपको बताया कि एक बार फिर से जब नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में शामिल हुए, इसके बाद 2022 के बाद ये मौका जब प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं, मंच को साझा करते हुए, और बस कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस तरह से इस बार की अगर बात की जाए तो बिहार में भी जो टारगेट है वो 40 का बीजेपी इस बार लेकर चल रही है, और ऐसे में जो ये दौरा है वो काफी ज्यादा अहम है। इससे पहले आज पश्चिम बंगाल में मौजूद थे प्रधानमंत्री और कल भी पश्चिम बंगाल में मौजूद थे, और पश्चिम बंगाल के बाद सीधा रुख किया प्रधानमंत्री ने बिहार का। एक के बाद एक दौरे प्रधानमंत्री के, बिहार को 21,000 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे प्रधानमंत्री, और बेगूसराय को अगर बात की जाए कुल मिलाकर 34,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलने वाली है इस दौरे से। और औरंगाबाद और बेगूसराय की बात की जाए तो 21,000 करोड़ औरंगाबाद के लिए और बेगूसराय के लिए 13,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। प्रधानमंत्री का सम्मान किया जा रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और एक साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी भी आपको नजर आ रहे हैं मंच पर उन्हीं के साथ। और अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह, और यहां पर देखना होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से जनसभा में क्या बड़ी बातें मुख्य तौर पर कही जाती है। और रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। रुपेश, एक साथ एक मंच पर, और देखिए अब तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं नीतीश कुमार जो कि प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए, और ये बड़ा ही खास मौका है क्योंकि 2022 के बाद ये मौका जब एक बार फिर से जब एनडीए का हिस्सा बने नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच को साझा कर रहे हैं। रुपेश जी, अरे बिल्कुल, लगभग 20 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मंच साझा कर रहे हैं। हालांकि जब सरकार बनी बिहार में नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा बने, उसके बाद से नीतीश कुमार दिल्ली जरूर गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, लेकिन 2022 के बाद से पहली बार एक मंच पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी फिर से दिख रहे हैं 20 महीने के बाद। और यह भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इसे कह रही है कि डबल इंजन की सरकार फिर से आज उसकी झलक मिलेगी, और दो रैलियां आज होनी हैं, एक औरंगाबाद में जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं, और उसके बाद वो बेगूसराय में जाएंगे जो कि गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी तैयारियां हैं, शाम को वहां जो रैली होगी उसे भी संबोधित करेंगे। लेकिन 6 तारीख को यानी कि 6 मार्च को फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे, जो बेतिया में एक रैली होनी है, वहां भी बिहार को कई लाख करोड़ की सौगात मिलनी है क्योंकि 3 बार ये रैली रद्द हो चुकी है किन्हीं कारणों से, और फिर से एक बार 6 फरवरी को नरेंद्र मोदी वापस लौटेंगे जब वहां भी रैली होगी। तो एक के बाद एक रैलियां, और बिहार बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए के झोली में, और वो भी तब जब 2019 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हिस्सा होकर के चुनाव लड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 100% रिजल्ट यानी कुल 17 सीटें उसमें जीती थी, और 16 सीटों पर जेडीयू, हालांकि जेडीयू को भी 17 सीटें मिली थी लेकिन एक किशनगंज सीट पे उन्हें हार मिली थी, और 16 सीटें जेडीयू भी जीती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 40 में से 40 सीटों को जीतने का लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य का शंखनाद एक तरह से कहें कि बिहार में प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी
शंखनाद का आगाज आज से कर दिया है। हालांकि इसके पहले अच्छा, लेकिन क्या कोई बात रुपेश, क्या कोई बात सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल होती नजर आ रही है क्या? क्योंकि यहां पर अगर एनडीए खेमे की बात करें तो बीजेपी और इसके साथ साथ जेडीयू, एलजेपी है और अहम, तो क्या सीट शेयरिंग कैसे होगी, इस पर कुछ फॉर्मूला समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि किस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ा जाना है, क्योंकि जेडीयू की 16 सीटिंग सीटें हैं। जेडीयू 16 सीटिंग अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ, क्योंकि जेडीयू का भी मानना है और बीजेपी ये कहती है कि बाकी दलों का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जेडीयू पीछे से आई है और जेडीयू का गठबंधन भी सिर्फ बीजेपी के साथ है, लिहाजा वो अपनी 16 सीटिंग सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को कैसे एडजस्ट करेगी वो बीजेपी को देखना है। बीजेपी भी अपनी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष जो 7 सीटें हैं उसमें चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, 11 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं, तो बिहार विधान परिषद की सीटों को किसको दे करके संतुष्ट किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के सामने चुनौती ये है कि जब तक जेडीयू साथ नहीं थी वो काराकाट सीट पर, वहां वो रैली भी कर चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं, वहां तैयारियां कर रहे थे, लेकिन जब जेडीयू यहां पे पहुंची है तो अब जेडीयू का सिटिंग सीट है, वहां से महाबली सिंह जेडीयू के सांसद हैं, लिहाजा अब उपेंद्र कुशवाहा की भी काराकाट सीट फंसती हुई दिख रही है। तो कुछ सीटों को लेकर के जरूर समस्या सामने आएगी, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है और कमोबेश पिछली बार जो रिजल्ट निकलकर सामने आए उसके आसपास ही कुछ फॉर्मूला भी तय हो सकता है। और इस बीच रुपेश आपके पास आऊंगा, नीतीश कुमार इस वक्त मंच से संबोधित कर रहे हैं, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है और आज के अवसर पर बहुत खुशी की बात है, यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं, यहाँ पर उनके साथ उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, यहाँ माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी और बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय सांसदगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, और मुझे बड़ी खुशी है कि लाखों की संख्या में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं बिहार की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे, पथ निर्माण एवं नमामि गंगे की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है इनके द्वारा। आप जानते ही हैं कि आमस से दरभंगा नए 4 लेन बनाना है, जिसके आमस से रामनगर भाग का शिलान्यास किया जा रहा है। दानापुर बिहटा के बीच 4 लेन एलिवेटेड रोड का योजना बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी लगातार हम तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से पटना से बिहटा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। आज दिखा भी रहा था, इनको देखे भी हैं, अभी वो दिखा रहा था कि वहाँ से ये कार्यक्रम हो रहा, तो बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सब काम तेजी से हो जाए। और पटना जिले के शेरपुर से छपरा जिले के दिघवारा के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल निर्माण बहुत जरूरी है। सड़क निर्माण की कई योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें बख्तियारपुर रजौली पथ
पटना से रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ है, जिसके नवादा जिले वाले भाग का उद्घाटन किया जा रहा है और इस पथ के निर्माण के लिए हम काफी प्रयासरत रहे। इस पथ में हमने कई जगह एलिवेटेड पथ एवं फ्लाईओवर देने की बात कही थी, इसके निर्माण में मेरी सभी बातें मान ली गई और बख्तियारपुर से बिहार शरीफ भाग तक का तेजी से काम हो रहा। हम चाहते हैं कि इस भाग का भी निर्माण कार्य शीघ्र शुरू पूरा हो जाए और बिहार में संप्रभुता स्थापित करने के लिए मैं सभी परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिहार के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, पांच से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था और सब हम लोग पांच से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके आज बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है सब मिलकर के हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए और सबसे बड़ी बात है हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे, ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा और खूब काम होगा। अब बख्तियारपुर बिहार देखिए, आप तो जानते ही हैं सबसे पुराना जगह है, पौराणिक जगह है, तो आप जब आप काम कर दीजिएगा तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। और आप जो यहाँ पधारे हैं इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों को मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा बुलंद होकर के रहिएगा और आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके हम लोगों को काम करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में बिहार ज्ञानोदय की भूमि है, जिस बिहार को सिद्धार्थ मिला उसने दुनिया को गौतम बुद्ध दिया। आपके शुभागमन से इस दिव्य धारा का जन जन आह्लादित है, कृतकृत है। मान्यवर, आपसे करबद्ध आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 21,000
करोड़ रुपए से अधिक की 28 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पित करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त औरंगाबाद में मौजूद है। और कुल मिलाकर अगर बिहार की बात की जाए तो आज का जो दौरा है इसमें 34,000 करोड़ की सौगात, उससे ज्यादा की सौगात दी जा रही है। और औरंगाबाद से 21,000 करोड़ से ज्यादा की जो सौगात है वो बिहार को दी जा रही है। जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है और जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हो रहा है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, रेल से जुड़े हुए हैं, ये कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, रेलमार्ग और इसके अलावा सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाएं, इनका उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री कुल मिलाकर 34,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री आज अपने एक दिवसीय दौरे में बिहार वासियों को दे रहे हैं। और इससे पहले आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिनकी तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई, हालांकि इससे पहले जिसका हमने जिक्र किया कि 2022 जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर नजर आए थे जब बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह था। और उसके बाद आज जब मंच पर एक साथ नजर आए तो नीतीश कुमार ने किस तरह से तारीफ की और यह भी कहा कि आप बाद में जब आए थे तब हम गायब हो गए थे, और कैसे तारीफ की प्रधानमंत्री की, आप सुनिए जरा। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, पांच से तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग पांच से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है सब मिलकर के हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे, ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा
कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा, खूब काम होगा। और चलिए अब सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं औरंगाबाद में इस वक्त मौजूद। स्वतंत्र सेनानियों की जन्मस्थली है ये बिहार, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। आज उसी औरंगाबाद की भूमि पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज यहां करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं, इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। आज यहां आमस दरभंगा 4-लेन कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। आज ही दानापुर बिहटा 4-लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ है। पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी हुआ है और यही एनडीए की पहचान है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है, आज भी भोजपुर जिले में आरा बाईपास रेल लाइन की नींव भी रखी गई है। आज नमामि गंगे अभियान के तहत भी बिहार को 12 परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुझे पता है कि बिहार के लोग और खासकर औरंगाबाद के मेरे भाई बहन बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे से यूपी भी केवल कुछ घंटों की दूरी पर रहेगा और कुछ घंटे में ही कोलकाता भी पहुंच जाएंगे और यही एनडीए के काम करने का तरीका है। बिहार में विकास की ये जो गंगा बहने जा रही है, मैं इसके लिए आप सभी को, बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज बिहार की धरती पर मेरा आना कई मायनों में खास है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को देश ने भारत रत्न दिया है। ये सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है। ये सम्मान समूचे बिहार के सम्मान है। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर ही मनाई जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार जिस आनंद में डूबा, बिहार के लोगों ने जैसा उत्सव मनाया, रामलला को जो उपहार भेजे, मैं वो खुशी आपसे साझा करने आया हूं। और इसके साथ ही बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है। इसलिए बिहार इस समय
पूरे उत्साह में भी है और आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। मैं उत्साह मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद माताएं बहनें नौजवान और जहां पर मेरी नजर पहुंच रही है उत्साह उमंग से भरे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। आपके चेहरों की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं, आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग, जनता साथ देने को तैयार नहीं है। और ये है आपके विश्वास, आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत। मोदी इसी विश्वास के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद करने के लिए आया है। साथियों, एक दिन में इतने व्यापक स्तर पर विकास का यह आंदोलन इसका गवाह है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है। आज जो सड़क और हाईवे से जुड़े काम हुए हैं उनसे बिहार के अनेक जिलों की तस्वीर बदलने जा रही है। गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के लोगों को आधुनिक यातायात का अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। इसी तरह बोधगया, विष्णुपद, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, पोखर और जहानाबाद में नागार्जुन की गुफाओं तक का पहुंचना भी आसान हो जाएगा। बिहार के सभी शहर तीर्थ और पर्यटन की अपार संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट और बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट भी इस नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेंगे। इससे बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली, अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है।
बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था, बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा, और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। बिहार के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकता मोड़ की नींव रखी है। ये नए बिहार की नई दिशा है, ये बिहार की सकारात्मक सोच है, ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। साथियों, बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा, बिहार तब्बे आगे बढ़ते ही जब बिहार के गरीब आगे बढ़तन। इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित का सामर्थ्य बढ़ाने में जुटी है। बिहार के लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। बिहार में उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। बिहार के करीब 90 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इन किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। 5 वर्ष पहले तक बिहार के गांव में सिर्फ 2% घरों तक नल से जल पहुंच रहा था। आज यहां के 90% से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंच रहा है। बिहार में 80 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक है, जिन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। हमारी सरकार दशकों से ठप पड़े उत्तर कोयल जलाशय इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस जलाशय से बिहार झारखंड के 4 जिलों में 1 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। साथियों, बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज ये मोदी की गारंटी है।